कल्चर एंड सोशलाइजेशन। सोसाइटी में क्या क्या होता है, जैसे सोसाइटी में कल्चर, अभी हम लोग रेप्टाइल कल्चर होता है, पहले से हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जो हमें गवर्न करता है, जैसे हमारी फैमिली, मैरिज, फ्रेंडशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, वर्क। ब्रिटिश लोगों का कल्चर होता है वो सुपीरियर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। अब उनका कल्चर, उनका रहने का तौर तरीके बदल जाएगा, एक डिजास्टर, एक एनवायरमेंट। हम लोग बस जानते हैं मम्मी पापा टॉय चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे हम लोग। सोशलाइज होते तो वो ह्यूमन जंगल जरूर देखा होगा, सोसाइटी फॉर्मेशन कैसे होता है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ सवी एंड मैं हूँ आप सभी की सवी दी। इस चैनल पे मैं आप लोगों को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाती हूँ एंड इस वीडियो के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़ का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ कल्चर एंड सोशलाइजेशन। ये चैप्टर पूरी तरीके से बेस्ड है अपॉन व्हाट इज़ कल्चर एंड व्हाट इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के हेडिंग पे कि क्या इस चैप्टर का मीनिंग है या हो सकता है, एंड उसके बाद हम लोग चैप्टर पे मूव करेंगे। देखो, कल्चर का मतलब क्या होता है कि एक मैं अगर बोलूं कि ये मेरा कल्चर है तो इसका मतलब होगा कि मैं इसी तरीके से हूं, यानी कि मेरा टेस्ट ऐसा है कि मुझे वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद है और मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, मेरा रिलीजन ये है, मेरा लुक ऐसा है, मैं दिखती इस टाइप की हूँ। जबकि साउथ इंडियन पीपल थोड़े अलग दिखते हैं, नॉर्थ इंडियन पीपल थोड़े अलग दिखते हैं, तो वैसे ही कल्चर जो है, कल्चर मतलब हमारा जीने या रहने का तौर तरीका, ऐसा समझ सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। लेकिन अगर सोशलाइजेशन का मतलब समझे तो सोशलाइजेशन का मतलब होता है घुलना और मिलना। जब हम लोग अगर बात करें कॉलेज में जाते हैं बड़े होने के बाद, या स्कूल में भी जाते हैं बड़े होने के बाद, तो हम लोग बहुत से अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनका रिलीजन अलग है, जिनका टेस्ट अलग है, जो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इजंट इट। तो हम लोग कितने सोशलाइज होते हैं, इजंट सोशलाइज होते हैं, लोगों को जानते हैं, समझते हैं, फिर हमारी दोस्ती होती है एंड ऐसे ही हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाती है। तो कल्चर मतलब हम लोग ये समझ के चलते हैं कि हमारा रहने का तौर तरीका, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ हमारे कल्चर के अंदर आती है। वेयर सोशलाइजेशन में हमारे सोशलाइज होने का तरीका आता है, जैसे हम लोग डिफरेंट एनवायरनमेंट में आते हैं, तो हम लोग कहीं और से आते हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तुम लोग गुजरात से हो, तो हम अलग अलग अपने ट्रेडिशंस को, कल्चर को शेयर करेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, तो ये सोशलाइजिंग हो गया या सोशलाइजेशन हो गया। और हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग कल्चर और सोशलाइजेशन को एक जैसा या एक साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं चैप्टर में, राइट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कल्चर क्या है। देखो, कल्चर इज़ एवरीडे कन्वर्सेशन, ऐसा कहा जाता है कि कल्चर जो है वो हमारे एवरीडे कन्वर्सेशन से कन्फाइंड है। फील्ड ऑफ आर्ट्स एल्यूड्स टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ सर्टन क्लासेस और इवन कंट्रीज, यानी कि लोगों का रहने का, जीने का तरीका जो है उसे हम लोग कल्चर कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये है। यानी कि हम लोग बहुत से, हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में हम लोग बहुत से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हम लोग घर में बात करेंगे तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे भोजपुरी में बात करेंगे, या फिर हिंदी में भी बहुत लोग अपने घर में बात करते हैं, या कुछ लोकल लैंग्वेज जैसे कि हो गया तुम्हारा गुजराती, वो भी घर में बात करते हैं। लेकिन बाहर में जाओ तो स्कूल में इंग्लिश जनरली बोलना पड़ता है, या फिर हिंदी बोलना पड़ता है, या जो भी हम लोग स्कूल में है तो स्कूल के लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। देन अगर हम लोग बात करें ऑफिस वगैरह में, कॉलेजेस में, तो हमें इंग्लिश में बात करना होता है, जनरली ऐसा हम लोग को बोला जाता है। तो हमारे एवरीडे कन्वर्सेशन में हमारे कल्चर दिखती है। देन हम लोग जो कल्चर है, हम उसे आर्ट और एल्यूड से भी कन्फाइन करते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो आर्ट्स और एल्यूड्स से भी रिलेटेड है। To the way of life of certain classes or even countries, बहुत से लोगों का क्लास और कंट्रीज़, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ का अलग अलग कल्चर होता है। जैसे इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स के अलग ही अलग कल्चर या रहने का तौर तरीका होता है, ठीक है। और हर कंट्रीज़ में भी ऐसा सेम चीज़ देखने को मिलता है। सर्टन क्लासेस में भी, जैसे रिच क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, उन दोनों ही क्लासेस का, पुअर सेक्शन का पीपल जो होते हैं, इन तीनों का जो रहने का तौर तरीका होता है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो इसे हम लोग कल्चर का नाम दे देते हैं।
सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में हमारे कल्चर होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ होता है, स्टेटस होता है एंड रोल होता है। देखो मैं कंसिडर कर रही हूँ कि तुम लोगों ने हमारे चैनल पे बाकी तीनों चैप्टर देख रखा होगा, सोशल सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर वॉज टर्म्स एंड टर्म्स कंसेप्ट एंड टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूजेस इन सोशियोलॉजी, थर्ड था अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। मेरे चैनल पे यानी कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी ये तीनों वीडियोस अपलोडेड है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम लोग समझ लो, जाके देख लो एक बार, ठीक है। इस सभी मतलब तभी तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे कि इन चैप्टर्स में या इस चैप्टर में हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सभी चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं। हम लोगों ने इतना ज़्यादा सोसाइटी के बारे में अब तक पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि सोसाइटी में क्या क्या होता है, जैसे सोसाइटी में कल्चर, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कल्चर होता है, पहले से हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है जो हमें गवर्न करता है, जैसे हमारी फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, वर्क, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे लाइफ में मौजूद हैं। हमारे लाइफ में होता है एक स्टेटस, हमारा रोल होता है कुछ जो हमें परफॉर्म करना होता है, अगर हम लोग डॉक्टर हैं तो हमें डॉक्टर का काम करना होगा, अगर हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के हमारे कुछ रोल होते हैं, देन हमारा कुछ पर्सनल लाइफ होता है, कुछ पब्लिक लाइफ होता है या प्रोफेशनल लाइफ होता है, इतनी सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं। अब हम लोग एक कल्चर को ऐड कर दें तो फिर तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कल्चर की बात करें तो हमेशा कल्चर जो है वो चेंज होता रहता है, इवॉल्व हो रहा होता है, इसीलिए हम लोग कल्चर को डायनेमिक कहते हैं। चेंज कैसे होता रहता है, इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे सकती हूँ बहुत आसानी से। कंसिडर करो कि पहले इंडिया जो पहले था, इंडिया का केस जैसे कि जब ब्रिटिशर्स आए थे या ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे रहने का तौर तरीका क्या था, हम लोग क्या ड्रेस पहनते थे। मेंस लोग धोती कुर्ता जनरली पहनते थे, वुमेन्स साड़ी ही पहनती थी बट डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें कपड़े पहनने सिखाए, जीन्स पैंट मेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, वुमेन्स के लिए साड़ी पहनने का एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसा माना जाता है। तो हमारे कल्चर में कुछ चेंजेस ब्रिटिशर्स के आने की वजह से आए, है ना, तो हमारा कल्चर यहाँ पे चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ, मतलब कुछ चीज़ें हम लोग कल्चर से हटाते भी रहते हैं, जैसे कि कुछ प्रथाएं होती हैं, जैसे माना जाता है कि यू नो अनटचेबिलिटी थी, वो एक प्रथा थी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही थी, तो हम लोगों ने उसे हटा दिया। तो ये हमारा एक एग्जांपल है कि कैसे हम लोग इवॉल्व होते जा रहे, जो गलत पार्ट है हमारे कल्चर का या जो ऐसा पार्ट है जो अब मॉडर्न लाइफ में हम लोग नहीं लेके साथ चल सकते हैं तो उसे हम लोग हटा देते हैं, तो इसे हम लोग कह देंगे इवॉल्विंग। तो हमारा कल्चर जो है वो इवॉल्व होता है, चेंजेस भी आते रहते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम अपने कल्चर को डायनेमिक कहते हैं। एलिमेंट्स जो हैं यानी कि बहुत सी चीज़ें हम लोग अपने कल्चर में ऐड करते रहते हैं, जैसे कि यू नो पहले माना जाता था इंडियंस जो थे, हम लोग जो थे पहले के टाइम में बिल्कुल हाथ से खाया करते थे, लेकिन अब हम लोग अगर देखें तो इंडियंस जनरली मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं वो अब चम्मच से खाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। एडेड, डिलीटेड, एक्सपैंडेड, श्रंक एंड रीअरेंज, बहुत सी चीज़ें हमारे कल्चर के अंदर हम लोग डिलीट करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, देन एक्सपैंड करते हैं यानी कि बढ़ाते जाते हैं कोई चीज़ों को, और श्रंक करते हैं, रीअरेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में होती रहती है, एंड यही सारी चीज़ें हमारे कल्चर को डायनेमिक बनाने में हेल्प करती है। डाइवर्स सेटिंग इज इक्वल टू डिफरेंट कल्चर। देखो हम लोग बहुत, लेकिन बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी बहुत, जैसे गुजरात का जो ट्रेडिशन है, जो रहने का तौर तरीका है, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट नोन एज वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बंगाली पीपल होते हैं, राजस्थान में राजस्थानी पीपल होते हैं, उन लोगों का रहने का, ड्रेसिंग का टेस्ट अलग होता है, डिफरेंट होता है, एंड बंगालीज लोगों का अलग होता है। तो डाइवर्स सेटिंग्स इज इक्वल टू तुम्हारा डिफरेंट कल्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, मतलब जैसे दो जगह अलग अलग हैं तो इन दोनों ही जगहों पे दो अलग अलग लोग रह रहे हों, तो उन दोनों लोगों का, जैसे राजस्थान से एक लड़की हो गई एंड एक लड़की हमारी वेस्ट बंगाल से हो गई, तो इन दोनों का रहने, मतलब दोनों जो हैं वो रहते अलग अलग स्टेट्स में हैं, एंड उन दोनों का कल्चर भी डेफिनेटली अलग अलग होगा। कल्चर इज़ यूज्ड टू रिफर टू द एक्वायरिंग ऑफ रिफाइंड टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स और पेंटिंग्स। दिस रिफाइंड टेस्ट वॉज थॉट टू डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम द अनकल्चर्ड मासेस, इवन कंसर्निंग समथिंग वी वुड टूडे सी एज इंडिविजुअल लाइक द प्रेफरेंसेज ऑफ कॉफी ओवर टी। देखो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि कल्चर जो है हमारा टेस्ट होता है, हमारे रहने का तरीका होता है, जैसे हम लोग पहले चाय पीते थे अब हम कॉफ़ी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, तो ये हमारा टेस्ट हो गया। हम लोग को म्यूज़िक कैसा पसंद है, हमारा पेंटिंग हमारे हमें कैसे पसंद है, कैसे हम लोग रहते हैं, हमारी पसंद नापसंद सभी हमारे कल्चर के अंदर आ जाती हैं। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट कैसे हमारे देखते हैं कल्चर को, वो हम लोग समझेंगे। देखो सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से कल्चर जो है वो
लोगों को डिफरेंट बनाता है, समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस इंडिविजुअल्स, यानी कि लोगों को एक दूसरे से अलग बनाता है हमारा कल्चर. बट एज अ वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट, हम सभी जो हैं, हम सभी का कोई ना कोई कल्चर होता ही है. जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, सो मेरा कल्चर वैसा है. अगर तुम लोग बंगाल से हो तो बंगाल से तुम्हारा कल्चर दूसरा होगा, राजस्थान से हो तो राजस्थान का कल्चर दूसरा होगा. तो हम सभी के कल्चर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है. एंड एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अ कल्चर ऑफ इट्स ओन. हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, हर अलग अलग क्षेत्र के, स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट्स का इवन अलग अलग कल्चर होता है. अब हमारे कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वो अकॉर्डिंग टू देम हमारा कल्चर होता क्या है. ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि उनके हिसाब से. जैसे कि एक है तुम्हारे ब्रिटिश स्कॉलर एडवर्ड टेलर, ब्राउनिश लॉ मेलिनोस्की ऑफ पोलैंड, क्लिफोर्ड गेट्स, जिनके पिक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं. देखो एडवर्ड टेलर का यहाँ एंड ब्राउनिश लॉ मेलिनोस्की का यहाँ पे इमेज दिया हुआ है. देन वी हैव क्लिफोर्ड गेट्स एंड लेस्ली वाइट. Then we'll be having about them कि ये लोग क्या सोचते हैं. So we'll start with British Taylor, British scholar Edward Taylor, कि ये क्या सोचते हैं कल्चर के बारे में. तो कल्चर को ये एक सिविलाइजेशन की तरह मानते हैं. एंड इनका कहना जो है वो ये है कि कल्चर एक एथनोग्राफिक सेंस है जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं. एथनोग्राफिक सेंस मतलब एक ऐसा चीज़ है, मतलब एक ऐसा बड़ा फील्ड है जो कि अपने अंदर रखता है बहुत सी चीज़ें. जैसे नॉलेज, हमारे कल्चर के अंदर हमारा ज्ञान आता है कि हमारी सोच क्या है, हमारी बिलीव्स क्या है, हमारी आइडियोलॉजीज़ क्या है, हमारा मॉरल क्या है, हम क्या चीज़ों को मानते हैं, हमारी जो आर्ट होते हैं, हमारे कौन से आर्ट हैं, हमारे कौन सा पसंद है, हमारा कौन सा कैपेबिलिटीज़ है, हमारी हैबिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कल्चर के अंदर आती हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्कॉलर एडवर्ड टेलर. नेक्स्ट है हमारे ब्राउनिश लॉ मेलिनोस्की ऑफ पोलैंड. इनके हिसाब से देखो ये लोग जो हैं सोशोलॉजिस्ट, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि कल्चर ये है कल्चर वो है. ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत सी स्टडीज़ परफॉर्म की है कल्चर के ऊपर. ठीक है, कल्चर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, बहुत ज़्यादा उस पर स्टडी किया है, चाहे वो केस स्टडी हो या फिर चाहे वो डिफरेंट सर्वे मेथड, जो इन सभी को करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया है एंड अपने डेफिनेशंस कल्चर के लिखे हैं. ठीक है, तो जैसे कि ब्रिटिश स्कॉलर जो हमारे एडवर्ड टेलर थे उनके हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग जानेंगे कि मेलिनोस्की के बारे में कि वो कल्चर को क्या समझते थे या उनकी स्टडी के हिसाब से कल्चर क्या था. ब्राउनिश लॉ मेलिनोस्की जो थे वो फाउंडर हैं ऑफ व्हाट नोन एज योर फंक्शनल स्कूल. देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है. सो फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. एंड इनके हिसाब से कल्चर क्या है, कल्चर एक ऐसी हमारी इनहेरिटेड, यानी कि हमारे अंदर ऑलरेडी है आर्टिफैक्ट्स. इनहेरिटेड मतलब हमें मिला हुआ जो होता है आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज. हमारे जो टेक्निकल हैबिट्स, हमारे अंदर जो हैबिट्स होती हैं या हमारी जो मान्यता होती है वो हमारे कल्चर होते हैं. साथ ही में इन्होंने वो भी चीज़ें बोली हैं जो कि मटेरियल टाइप की हैं, जैसे टेक्निकल प्रोसेस या फिर कुछ सामान, जो सामान हमें हमारे पास हैं, जो चीज़ें हमारे पास गुड्स अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी कल्चर हो जाती है अकॉर्डिंग टू ब्राउनिश लॉ मेलिनोस्की. क्लिफोर्ड गेट्स के हिसाब से हमारा कल्चर क्या है, we look at human action in the same way as we look at the words in a book and see them as a conveying a message. जैसे कि हम लोग कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो उस बुक में कुछ ना कुछ मीनिंग, हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है. जैसे कि हम लोग अभी NCERT का बुक पढ़ रहे हैं कल्चर एंड सोशलाइजेशन. सो हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर है. वैसे ही जैसे ह्यूमंस के एक्शन में, ह्यूमंस जो भी करते हैं उस ह्यूमंस के जो एक्शन होते हैं, यानी कि हम इंसान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा मकसद होता है या कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच्ड होता है. मैन इज़ एन एनिमल. मैन एक ऐसा एनिमल है सस्पेंडेड इन अ वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंस ही हिमसेल्फ हैज स्पन. आई टेक कल्चर टू बी दोज वेब्स. द सर्च इज नॉट फॉर अ कॉजल एक्सप्लेनेशन बट फॉर एन इंटरप्रिटेटिव वन दैट इज इन सर्च ऑफ फॉर मीनिंग. देखो अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड गेट्स कल्चर जो है वो हमारे एक वेब्स है, यानी कि हम इंसान हैं एंड हम डेफिनेटली हम इंसान हैं तो मतलब हमारी कुछ सोच होगी, हमारे बहुत से हैबिट्स हैं, हमारे बहुत से हॉबीज़ हैं, हमारे बहुत से पसंद है नापसंद है, हमारे एक कल्चर है, हमारे एक ट्रेडिशन है जहाँ से हम लोग आते हैं. तो इनके हिसाब से ये सारी चीज़ें जो हमारी हैबिट्स वगैरह ये सभी हमारे जो कल्चर है इसे हम लोगों ने खुद बनाया है एंड हम लोगों ने खुद बनाया है और हम लोग खुद इसमें फंसे हुए हैं. ठीक है,
एंड जो भी हमारे एक्शंस होते हैं कल्चर में रहते हुए, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी हमारी यू नो हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो सारे हमारे कल्चर को डिफाइन करता है एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज कल्चर अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड गी. लेट्स सपोज मुझसे पूछा गया कि मुझे क्या चाहिए, टी या फिर कॉफ़ी. मैं जहाँ से आती हूँ फ़िलहाल तो मैं यूपी से आती हूँ एंड मुझे चाय बहुत पसंद है. सो मैं डेफिनेटली मैं चाय बोलूँगी क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरे घर में सभी चाय पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ही कम लोग पीते हैं. सो आई विल प्रेफर टी. ओके सो आई विल गो फॉर टी एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज माई ट्रेडिशन. एंड ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कल्चर है, हम खुद इंसानों ने ही हमने बनाया होता है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं. एंड यही जो क्लिफोर्ड गीज़ है उन्होंने पहचाना है कि हर ह्यूमन एक्शंस जो हैं, ह्यूमंस जो भी करते हैं, जैसे मेरी पसंद है, मैंने प्रेफर किया टी ओवर कॉफ़ी. सो ये एक एक्शन है जिसका मीनिंग है, जो शो कर रहा है कि मेरा कल्चर क्या है, मेरा ट्रेडिशन क्या है, मेरे बिलीव्स क्या हैं, राइट. सो ये एक एग्जांपल है जिससे तुम लोग आसानी से समझ पाओगे कि क्लिफोर्ड गीज़ क्या कहना चाह रहे थे. सो ये हैं तुम्हारे एडवर्ड टेलर, ये हो गए ब्रॉनिश लॉ, मेलिनोस्की. देन वी हैव आर क्लिफोर्ड गीज़ जिनके बारे में अभी अभी मैंने बताया. एंड नाउ हम लोग जा रहे हैं लेज़ली वाइट पे, जो बिलीव क्या करते थे वो हम लोग देखने वाले हैं. सो लेज़ली वाइट के हिसाब से कल्चर जो है मीन्स ऑफ एडिंग मीनिंग टू ऑब्जेक्टिव रियालिटी. ऑब्जेक्टिव रियालिटी मतलब जैसे कि हम लोग क्या मानते हैं कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है बिकॉज हमारी प्यास को बुझाता है, हमें कुछ देता है. सो हम पानी की पूजा करते हैं, जैसे गंगा माता जी की पूजा करते हैं हम लोग. सो कल्चर इज अ मीन्स, इनके हिसाब से हम लोग जो हैं, किसी भी चीज़ को मीनिंग अटैच कर देते हैं. ऑब्जेक्टिव मतलब चीज़ों को मीनिंग अटैच कर देते हैं चीजों में. तो दैट इज व्हाट नोन एज ही इज ट्राइंग टू से कल्चर एज अ मीन्स ऑफ एडिंग मीनिंग टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी यूजिंग द एग्जांपल ऑफ पीपल रिगार्डिंग वाटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स एज अ होली. तो हाँ, जैसे हम लोग मानते हैं कि गंगा जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पवित्र हैं एंड वो हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इससे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में हम लोग मीनिंग अटैच कर ले, किसी भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जब हम लोग मीनिंग अटैच कर देते हैं तो दैट इज़ व्हाट कंसिडर्ड एज योर कल्चर अकॉर्डिंग टू लेज़ली वाइट. इतने सारे डेफिनेशंस जो हैं तुम्हारे कल्चर पे दिए हुए हैं क्योंकि कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड कंसेप्ट. द मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ कल्चर इन एन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी लेड बाय अल्फर्ड क्रॉबलर एंड स्काई क्लकडहोल्म anthropologists from the United States to publish a comprehensive survey entitled Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions in 1952. यानी कि इतने सारे डेफिनेशंस हैं, समझ में आता है. और कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं बाई अल्फर्ड कॉबलर एंड काइल के द्वारा इन हीज बुक. अपने बुक में उन्होंने डाला हुआ है कल्चर के बहुत से डेफिनेशंस एंड अपने कंसेप्ट्स, अपने स्टडी पर परफॉर्म किए हुए व्यूज़ इन कल्चर अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस इन 1952. कल्चर आखिर क्या है? ओवरऑल तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि कल्चर जो है एक वे ऑफ लाइफ है. अब यहाँ पे समझोगे इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो कल्चर क्या हो गया? हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हम कैसा सोचते हैं, हमारी बिलीफ क्या है. जैसे कि मैंने टी प्रेफर किया हुआ कॉफ़ी, ये मेरा एक मुझे पसंद है, मेरी फीलिंग है या यू कहो मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है. नेक्स्ट हो गया हमारा फीलिंग, हम लोग कैसा फील करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में. जैसे कि हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में एक ही जैसा फील नहीं कर सकते, हम लोग ह्यूमंस हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हैं. लेट्स सपोज इंडियंस जो हैं वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा कभी कभार पैनिक हो जाते हैं एंड वही कुछ इंडियंस होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं. तो ये हमारा एक फीलिंग होगा, हमारा हमारे जो सोच है उस पर हमारी फीलिंग्स डिपेंडेंट होती है. हम लोग डिफरेंट चीज़ों पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग गॉड पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग गॉड पे नहीं बिलीव करते हैं. तो ये हो गया हमारा कल्चर के अंदर. तो कल्चर क्या है? हमारा पहला अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग. दूसरा द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल, जैसे हम लोग जीवन बिताते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो सभी कुछ हमारी कल्चर है. एंड एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर, हम लोग बिहेवियर के थ्रू जो चीज़ें हम लोग करते हैं, जो चीज़ों के प्रति हमारा रिएक्शन होता है वो हमारा होता है कल्चर. लर्न बिहेवियर, हम लोग कल्चर को सीखते हैं. कल्चर को किससे सीखते हैं? अपने इन्वायरमेंट के थ्रू. हमारे आसपास के लोग जैसे हैं, हमारे कल्चर भी उन्हीं के जैसा हो जाता है. अ स्टोर हाउस ऑफ ओल्ड लर्निंग, बहुत सी चीज़ें हम लोग कल्चर के अंदर सीखते हैं, कल्चर से सीखते हैं. जैसे हमारी आइडियाज़ वहाँ से आती हैं, हमारी हैबिट्स वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर आती हैं. द सोशल लीगेसी द इंडिविजुअल एक्वायर्स फ्रॉम हीज ग्रुप, हमारी जो सोशल लीगेसी होती है, यानी कि
जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी थॉट, मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज, मेरा रिलीजन मेनली वहीं से इन्फ्लुएंस्ड है, मेरे ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड है. अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज ओरिएंटेशन टू रिकरेंट प्रॉब्लम्स, द मैकेनिज्म फॉर द नॉर्मेटिव रेगुलेशंस ऑफ बिहेवियर. हमारे जो भी कल्चर है उसके अंदर हमारे बहुत से नॉर्म्स होते हैं, बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है. तो हमारा कल्चर जो है वो एक काइंड ऑफ यू नो नॉर्म्स हमें रूल्स प्रोवाइड करता है, रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है. तो कल्चर जो है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो हम लोग थोड़ा सा स्नैप रिकैप ले लेते हैं, ठीक है. सो आगे आ जाओ मेरे साथ ही. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कल्चर क्या हो सकता है. ये सारी चीज़ें कल्चर के अंदर आती हैं कि भाई कल्चर जो है हमारे एवरीडे कन्वर्सेशन में होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती है, ऐड होती है, रिमूव होती है, लाइक दैट. देन हम लोगों ने पढ़ा था या डिस्कस किया था कि कैसे कल्चर क्या हो सकता है. तो बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से कल्चर ये होता है कि भाई सब कुछ होता है. लेकिन सोशियोलॉजिस्ट कैसे कल्चर को देखते हैं, सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से कल्चर वो है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है. ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो टेस्ट है, मेरा जो पसंद है वो तुम्हारा भी हो, ठीक है. तो ये हो गया हमारे सोशियोलॉजिस्ट का बिलीफ. एंड उसी बिलीफ के ऊपर बहुत से डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी परफॉर्म किए हैं थ्रू सर्वे, थ्रू केस स्टडीज एंड डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए उन्होंने पढ़ाई की है एंड अपने अपने डेफिनेशंस अबाउट कल्चर उन्होंने पेश किया है. जैसे हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ड टेलर ने क्या कहा, कल्चर को सिविलाइजेशन कहा एंड बहुत ही ब्रॉड फील्ड कहा. वैसे ही मेलिनोस्की ने कहा कि कल्चर जो है वो टेक्निकल प्रोसेस के साथ साथ हमारे वैल्यूज़ और बिलीव्स भी हैं. देन साथ ही में हमारे क्लिफोर्ड गीट्स हैं जिन्होंने कहा कि कल्चर जो है वो हम ही बनाते हैं एंड हम ही बनाते हैं अपने कल्चर को एंड हम जो भी करते हैं, हमारे जो भी एक्शंस होते हैं उन सभी के पीछे हमारे कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. देन हम लोगों ने देखा कि लेज़ली वाइट क्या बोलती हैं कल्चर के बारे में. तो उनका कहना ये था कि कल्चर जो है वो उसके अंदर हम चीज़ों को मीनिंग देते हैं. जैसे कि हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं तो उसका भी एक मीनिंग हम लोग अटैच करके हम अपने कल्चर को शो करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं. देन हम लोगों ने समअप किया कि कल्चर ओवरऑल फिर हो क्या सकता है. तो सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन से और कल्चर एक्चुअल में क्या है उसका डेफिनेशन को ऐड करते हुए इतने सारे डेफिनेशंस हमारे ब्रॉड फील्ड कल्चर के बारे में आया कि कल्चर क्या है, हमारा थिंकिंग है, हमारा फीलिंग है, हमारा बिहेवियर है, हमारा टोटल वे ऑफ लाइफ है, हमारा इन्वायरमेंट से हमें कल्चर मिलता है. देन एक लर्नड बिहेवियर है जो हम अपने ग्रुप से सीखते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ी. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है कल्चर के ऊपर वो है डायमेंशंस ऑफ कल्चर. तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स डायमेंशन ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर के काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं. काफ़ी मतलब जैसे कि मैंने बात की, कल्चर्स बहुत सारे होते हैं इंडिया में या बहुत से कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में या पूरे ऑल थ्रू आउट वर्ल्ड में बहुत सारे कल्चर्स हैं. सो उन सभी कल्चर्स में कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल कॉमन हैं एंड वो क्या है, वो ये सारी चीज़ें, यानी कि कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव एंड मटेरियल. सो अब इसकी बातें करें तो नॉन मटेरियल एंड मटेरियल डायमेंशंस होते हैं कल्चर के अंदर, ठीक है. कल्चर के डायमेंशंस के अंदर भी दो डायमेंशंस हैं, नॉन मटेरियल एंड मटेरियल. नॉन मटेरियल मतलब, मटेरियल मतलब तो चीज़ें होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल डे में. एंड अगर मैं बात करूँ कि कल्चर में क्या क्या होता है ऑल ओवर, सो कल्चर में बहुत सी चीज़ें होती है जैसे हम अपने कल्चर में सीखते हैं, जैसे कि उठने का, बैठने का, बात करने का तरीका, रिलीजन क्या है हमारा, हमारी एथनीसिटी क्या है, कौन सा लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने फैमिली से, अपने ग्रुप से, अपने एथनीसिटी से, अपने कल्चर से सीखते हैं बेसिकली. तो ये सारी हो जाती है हमारी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स. एंड हमारा जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स होता है वो हमारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो हमें अपने कल्चर से मिला होता है. यानी कि जैसे हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, किससे हमें बात नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मेनली बताई होती है हमारे नॉर्मेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस में. अब हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. जैसे कि कॉग्निटिव मतलब कि कैसे हम चीज़ों को समझते हैं या क्या हम चीज़ों को समझते हैं, लाइक दैट. किसी भी चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो उसे मीनिंग अलॉट करना, वो हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं. हाउ वी मेक सेंस टू ऑल द इंफॉर्मेशन कमिंग टू अस फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास से आई, कैसे हम उसे मीनिंग देते हैं, वो हमारे कल्चर से हमें सीखने को मिलता है एंड वो हमारा कॉग्निटिव पार्ट हो जाता है. जैसे लेट्स सपोज मैं तुम लोगों को कल्चर के बारे में पढ़ा रही हूँ. तुम सभी लोग बहुत सारे डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट स्टेट से आ रहे हो, तो तुम लोगों को मेरी बात बिल्कुल अलग तरीके से समझ में आएगी. यानी कि कुछ लोगों को कुछ और समझ में आ रहा होगा और कुछ लोगों को कुछ और समझ में आ रहा होगा. बात मैं एक ही बोल रही हूँ लेकिन बातें समझ हो, मतलब तुम अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट
is what known as your cognitive aspect. Cognitive aspects ke andar aata hai literate societies and illiterate, yani ki non-literate society. So literate societies matlab wo societies jo bahut padhi likhi type ki hoti hain, apne ideas ko books mein transcribe yani ki likhti hain, chhapti hain, publish karti hain, to wo ho gaya hamare literate societies. And illiterate society to nahi but non-literate societies kisne kaha gaya hai, aise societies, aisa samaj jahan pe hum log convey karte hain informations jo hote hain वो हम कन्वे करते हैं बजाय बुक में लिखने के, जैसे कि ओरली ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हम अपनी इंफॉर्मेशन अबाउट हमारा कल्चर क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी परंपरा क्या चली आ रही है, वो सारी चीज़ें हम अपने फैमिली मेम्बर्स को समझाते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं या अपने पेरेंट्स से सीखते हैं. तो वो सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बोलने के थ्रू यानी कि वर्बली हम लोग ओरली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. तो वो हमारा नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ का एक एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा. नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, इंक्लूड सोशल एक्सपेक्टेशन दैट इज नॉर्म्स एंड वैल्यूज प्लस सोशल रूल्स ऑफ अ सोसाइटी. यानी कि हमारे नॉर्मेटिव मतलब होते हैं नॉर्म्स यानी कि रूल्स, जो रूल्स हमारे लिए हमारे घर परिवार में बने होते हैं लाइक दैट, वो हमारे नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हो गए. हमारे जो सोशल एक्सपेक्टेशन है, हमारी फैमिली, हमारा जो समाज है हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम ऐसे बात करें, ऐसे उठे बैठे, तो वो सारी चीज़ें हमारे नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के अंदर आती है, जिसे हम रूल्स ऑफ कंडक्ट कहते हैं. नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स को हम लोग इन शॉर्ट इस ट्रिक के हेल्प से याद कर सकते हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट. वेयर एज कॉग्निटिव को हम लोग गिव मीनिंग, जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं गिव मीनिंग के थ्रू हम इसे एक ट्रिक बना सकते हो या नोट्स बना रहे हो तो उसके सामने कॉग्निटिव इज इक्वल टू गिव मीनिंग, सी एंड गिव मीनिंग. नॉर्मेटिव इज इक्वल टू रूल्स ऑफ कंडक्ट, ऐसे नोट्स बनाते चलो की पॉइंट या की वर्ड्स के थ्रू. सो रूल्स ऑफ कंडक्ट की बात करें तो वो हो जाता है हमारा नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को एक नाम, ऐसे समझ लो. फोकवेज, अब हमारी नॉर्म्स के अंदर कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है फोकवेज, ट्रेडिशनल कस्टमरी वेज ऑफ फीलिंग बिहेविंग एंड थिंकिंग. पुराने समय की जो सोच, रूढ़ीवादी सोच या सोच कह सकते हैं हम लोग बेसिकली, पुराने समय की जो सोच है, जो फीलिंग्स है, उन सभी चीज़ें आती हैं हमारी फोकवेज के अंदर. वेर एज मोर्स जो है हाई ऑर्डर नॉर्म्स मस्ट नॉट एक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी कि मोर्स एक ऐसे यू नो बिहेवियर है, एक ऐसे रूल्स है जो हमें फॉलो करना ही होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में हमें बोला, हमें एकदम क्लास चल रहा होता है या स्कूल्स के नहीं तो अगर हम लोग हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है, दैट विल बी बेस्ट. हॉस्पिटल्स में क्या होता है ना कि हम लोग को बोला जाता है एकदम क्वाइट रहने को, राइट. सो दैट इज मोर्स, ठीक है. तो एकदम मस्ट है कि वो रूल्स तुम्हें फॉलो करना ही होगा, दैट इज योर मोर्स. कस्टम्स बिहेवियर फ्रॉम कल्चर, सो कस्टम्स क्या होता है, कस्टम्स हमारे जो बिहेवियर होता है जो हमें कल्चर से मिला होता है वो हमारा कस्टम हो गया. लॉज की बात करें तो लॉज जो है फॉर्मल सैंक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं एंड हर सिटीजन्स को फॉलो करना होता है, दैट इज व्हाट नोन एज योर लॉज. एंड कन्वेंशन बिहेवियर ऑकर्स विदाउट थिंकिंग, ऐसा कुछ बिहेवियर जो बिना सोचे समझे हो जाता है उसे हम कन्वेंशन कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी स्ट्रेंजर्स को देख लेना और स्माइल कर देना हो जाता है कभी कभार, सो दैट इज कन्वेंशन. या फिर स्माइल की जगह हैंडशेक भी हो जाता है, तो दैट इज एक ऐसी चीज है जो कॉमनली अपने आप ही हो जाती है बिना सोचे समझे, तो दैट कम्स अंडर कन्वेंशन, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव एंड नॉर्मेटिव, इसमें कोई भी पैसे की बात नहीं आई, कोई भी गुड सर्विसेज की बात नहीं आई. सो ये हमारे इसी रीजन की वजह से नॉन मटेरियल डायमेंशंस है. सो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, डायमेंशंस के अंदर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स मस्ट वर्क टुगेदर, अलोन कैन वर्क. अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ तुम लोगों को, रंगोली का. रंगोली का एग्जाम्पल देखो, मेरा रंगोली का एग्जाम्पल में हम लोग ये ले सकते हैं कि सबसे पहले तुम्हें रंगोली बनाने आनी चाहिए. तुम्हारे कल्चर में लेट्स सपोज रंगोली बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है. तो सबसे पहले तुम्हें उसे बनाने सीखना होगा. तो गिव मीनिंग वट एवर यू आर प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज योर कॉग्निशन. सो कॉग्निशन मतलब एक सीखने की प्रक्रिया भी बोलते हैं कॉग्निशन को या कॉग्निटिव एस्पेक्ट को. सो रंगोली बनाना सीखना हमारा कॉग्निटिव हो गया. देन नॉर्मेटिव, रंगोली बनाने के कुछ रूल्स होते हैं कि इस तरीके से ऐसे करोगे तो रूल्स मतलब ऐसे करोगे तो रंगोली बनेगी. सो दैट इज योर नॉर्म्स, ठीक है. अब तुम्हें रंगोली बनानी है तो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मटेरियल. तुम्हें चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारे कल्चर के अंदर रंगोली को इंपॉर्टेंस दी गई हुई है. सो रंगोली को बनाने का एक तरीका होगा और कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे कि तुम्हें कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी. मे बी रंगोली बनाने के लिए मे बी बिंदी की बिंदी हो रही है चूड़ी की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार चूड़ी से भी ऐसे ऐसे डिज़ाइन करना होता है. सो
मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, या मटेरियल्स जो है वो हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है बेसिकली। तो मटेरियल हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है जो कि हमारी जरूरत है, और आजकल हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए अपॉन मटेरियल। जैसे कि एसी के बिना नहीं रहा जा सकता, या फैन के बिना नहीं रह सकते, टीवी के बिना नहीं रह सकते, इंटरनेट, ये सारी चीजें हमारी मटेरियल एस्पेक्ट्स में आती हैं। सो अब कल्चर के अंदर, जैसे पहले कल्चर के अंदर चीजों को सीखना, समझना और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना था, अब हमारे कल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मटेरियल भी, यानी कि चीजें। रेफर्स टू टूल्स, टेक्नोलॉजीज, मशीन्स एंड प्रोडक्शंस, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्ट्रूमेंट्स यूज, ये सारी चीजें हमारी इमेज भी देने की कोशिश की है मैंने, ये सारी चीजें हमारी मटेरियल्स हो जाती है। मटेरियल्स मतलब जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर लिविंग, ATM, रेफ्रिजरेटर, रेडियोज, इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप, सम ऑफ द मटेरियल्स के नाम दिए हुए यहाँ पे। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारे इसी के अंदर है, कल्चर के अंदर, दैट इज कल्चरल लैग या कल्चर लैग। ठीक है, कल्चरल लैग एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग सोच की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो जैसे कि मटेरियल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मटेरियल्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे AI आ गया है आज के टाइम पे, मशीन्स बहुत हाई क्वालिफिकेशंस वाले, हाई टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आजकल के ज़माने में, तो वहीं सोच लोगों की कहाँ अटकी हुई है अभी भी वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि सोच अटकी हुई है अभी भी, बहुत पुरानी सोच जो है लोगों की, सो वो हो गया हमारा कल्चरल लैग, जहाँ पे हमारे देख रहे हैं कि हम लोग का मटेरियल का जो ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लोगों की सोच, लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी बहुत पिछड़े जमाने के हैं। सो दैट इज नोन एज अ कल्चरल लैग, व्हेन द मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस चेंज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चीजें जो है चेंज हो रही है रैपिडली, द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स कैन लैग बिहाइंड। और जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हो गए, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ओवर दोज एस्पेक्ट जो हम लोग अभी पढ़ के आए थे, रूल्स रेगुलेशंस और सोच लोगों की, वो अभी भी लैग हो रही है बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स। दिस कैन गिव राइज टू अ सिचुएशन विच इज नोन एज योर कल्चरल लैग। ठीक है, द नॉन मटेरियल डायमेंशंस आर अनेबल टू मेंटेन द एडवांसेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो वही चीज है जो मैंने बताई थी, यानी कि हमारी सोच अभी कहाँ अटकी हुई है, चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा रही है, बहुत सारा टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट अभी भी हमारी सोच बहुत छोटी हो रही है, मतलब बहुत से लोगों की सोच अभी भी सोसाइटी में बहुत छोटी है, एंड साथ ही में हमारा जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो भी काफी ज्यादा पुरानी टाइप की हो गई। अब हमें कुछ न्यू लाना होगा, चेंजेस लाना होगा, दैट इज वॉट नोन as your cultural lag। ठीक है, अब इसका ये एग्जाम्पल लूँ तो बेसिक से एग्जाम्पल है जो तुम लोग शायद कनेक्ट कर पाओ। सो ऐसा है कि मे बी यू आर ऑपरेटिंग फोन, तुम लोग फोन चला रहे हो, मे बी रील्स वगैरह देख रहे हो, और बहुत ज़्यादा तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स जो समझ नहीं पा रहे, मे बी तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े से ओल्ड है लेट्स सपोज, एंड दे आर नॉट अनेबल टू अंडरस्टैंड कि तुम कर क्या रहे हो। सो वो लोग समझेंगे कि तुम लोग मोबाइल पे कहाँ मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये सोच हो गई एक तरीके की, है ना, कि उन लोग की सोच ऐसी है कि वो समझ नहीं पाते हैं मटेरियल के साथ, हमारे जो एडवांस डेवलपमेंट हो चुके हैं, मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, कंप्यूटर आ चुके हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। सो ये कल्चरल लैग हम लोग इस सिचुएशन को कह सकते हैं। अब हम जा रहे हैं कल्चर के ही एक इम्पॉर्टेंट जिसे हम कल्चरल आइडेंटिटी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इतना सारा चीज़ें डिस्कस करें, कल्चर ये कल्चर वो, अब हम जानते हैं कल्चर हमारा आता कहां से, मतलब आखिर ये कल्चर है कहां से, आता कहां से, इसका ओरिजिन क्या है। हमारे कंट्री में सोसाइटी है, है ना, लेट्स सपोज हमारे कंट्री में एक सोसाइटी है। अब उस सोसाइटी कैसे आती है, जब बहुत से लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सोशियोलॉजी के बहुत इनिशियली पढ़ लिया था कि हमारा जो सोशियोलॉजी है उसमें ह्यूमंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली ह्यूमंस एज अ कलेक्टिव, यानी कि लोगों के साथ हम लोग कैसा बर्ताव करते हैं, वो हमारे सोशियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमंस कैसे सोसाइटी फॉर्म करते हैं, ह्यूमंस एक सोशल बीइंग, एंड कैसे हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन तीसरे पर्सन से हम लोग बात करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, रिलेशनशिप्स फॉर्म हो जाता है। सो जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं सोसाइटी में, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमारा इंटरैक्शंस होता है, देन हम रिलेशनशिप्स फॉर्म कर देते हैं, हम कुछ लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ठीक है,
फिर हम लोग अपने उसी सोसाइटी में हम लोग काम भी करते हैं, ठीक है, और काम करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप्स और ज़्यादा ब्रॉड होती जाती है, जैसे बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशंस, देन हमारे पीयर्स ग्रुप हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल हो जाता है, तो वर्क में भी हमारे रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं, देन हमें एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में डाल दिया जाता है, जैसे कि मिडिल क्लास कुछ पीपल होते हैं, कुछ लोग वर्किंग क्लास होते हैं, कुछ लोग पुअर क्लास होते हैं, कुछ लोग हाई क्लास या रिच क्लास होते हैं, सो ऐसे हम लोग क्यों कैटेगराइज कर दिया जाता है। देन हमारा हो गया स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल मतलब जैसे कि अगर हम डॉक्टर हैं या हम इंजीनियर हैं या फिर हम टीचर हैं, तो हमारा एक रोल है कि हमें ये काम करना होगा या हमारा ये काम तय है, हमें वो परफॉर्म करना है। हम अगर फादर हैं तो हमें एक फादर की ड्यूटी निभानी होगी। हम अगर डॉटर हैं तो हमें डॉटर की रूल्स रेगुलेशंस या जो भी नीड है, जो काम है, वो करना होता है। तो दैट इज़ योर स्टेटस एंड रोल। रिकॉग्निशन, अब ये चीज़ें रिकॉग्नाइज हो रही है सोसाइटी के द्वारा कि हाँ ये है डॉक्टर, इसका काम है पेशेंट्स का इलाज करना और ये करती है, सो दैट इज दैट मीन्स कि ये एक क्या बोलते हैं, एक बहुत ही जिम्मेदार सिटीजन है एंड ये है कुछ, है ना। सो रिकॉग्निशन मिल रहा है मुझे कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, लोग मुझे मानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, या लोग मुझे मानते हैं कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे ये रोल मिला हुआ है, तो मुझे ये आइडेंटिटी मिली हुई है, ठीक है, कि मैं एक डॉक्टर या टीचर हूँ। सो दैट इज़ योर रिकॉग्निशन। और सोशल आइडेंटिटी इसे कहते हैं या कल्चरल आइडेंटिटी इसे ही कहते हैं, जब मैं कुछ हूँ और लोग मुझे मान रहे हैं। जैसे कि अभी मैं टीचर हूँ अगर और तुम लोग मुझे मान रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर तुम लोग मुझे नहीं मानोगे टीचर तो मैं नहीं होंगी। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि सोसाइटी में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड हमारा रिलेशनशिप्स के साथ तुम लोग मुझे कुछ मानते हो कि हाँ मैं टीचर हूँ या फिर मैं डॉक्टर हूँ, तुम लोग रिकोगनाइज करते हो मुझे, तो मेरी आइडेंटिटी एक कल्चरल आइडेंटिटी होगी या मेरी आइडेंटिटी एक सोशल आइडेंटिटी होगी। देखो कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, एकदम सेम है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर कल्चरल आइडेंटिटी। इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो ये कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो हमारी बनती नहीं है, मतलब हम लोग वो मिलती नहीं है, हम लोग इनहेरिट नहीं करते, अपने पेरेंट्स से हमें नहीं मिलती, बट हमें डाली जाती है। डाली जाती है मतलब हमें यानी हमारे मतलब हमारे अंदर आती जाती है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, छोटे से हम लोग होते हैं, उससे बड़े होते जाते हैं तो इंटरैक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स फॉर्म करते करते हम लोग बड़े होते हैं एंड देन हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो हमें मिल जाता है, एक सब कल्चर होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक राजस्थानी हूँ, अब राजस्थानी के अंदर भी एक और सब कल्चर आता है, जो लोग राजस्थानी ही हैं बट उनका टेस्ट, उनका पसंद, उनका जो प्रेफरेंस है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द एक्चुअल राजस्थानी पीपल, फ्रॉम द मेन राजस्थानी पीपल। वो थोड़े से अलग है, दिखने में भी अलग है और उनका जो पसंद नापसंद है वो सब राजस्थानियों से थोड़ा ज़्यादा ही अलग है। कल्चर के अंदर भी जो लोग हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सब कल्चर का सिचुएशन। मार्क्ड बाय स्टाइल, टेस्ट एंड एसोसिएशंस। तो मैं कैसे बोलूँगी, जैसे कि लेट्स सपोज जो एक्चुअल राजस्थानी है, लेट्स सपोज कि वो वेजिटेरियन है, बट कुछ लोग उसके अंदर भी लोग होते हैं, कुछ लोग बी सेक्शन के या दूसरे सेक्ट ऑफ पीपल है जो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया, तो वो एक सब कल्चर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल राजस्थानी पीपल वो हैं जो वेजिटेरियन है, जो जिनका टेस्ट जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चटपटा वगैरह खाते हैं, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो चटपटा नहीं खाता, वो बहुत ज़्यादा मीठा खाता है। तो एक एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ठीक है। सो हमारा जो सब कल्चर है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे वो सब कल्चर है, तो उसका टेस्ट जो एक्चुअल कल्चर वाला मेम्बर है उससे डिफरेंट होगी, उनके टेस्ट डिफरेंट होगा, उसके स्टाइल्स और उनकी एसोसिएशन, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो स्पीच देते हैं, जैसे वो ड्रेस पहनते हैं, इन सभी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि कौन सब कल्चर के मेंबर हो सकता है। सी फंक्शंस एज कोहेसिव यूनिट्स। तो जो हमारे सब कल्चर्स होते हैं वो एक एकजुट मेंबर ही होते हैं। अब इन सब कल्चर को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, तो बेसिकली जब तक सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट ना कर दे और रिकॉग्नाइज ना करे कि हाँ ये भी कुछ राजस्थानी ही है बट ये दूसरे टाइप के राजस्थानी पीपल है, जब तक उन्हें एक अलग नाम, एक अलग पहचान ना मिले, हम लोग उन्हें माने नहीं, तब तक वो एक सब कल्चर नहीं कहला सकते। सो सब कल्चर किसी को कहलाना है तो उसे रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर कब बन सकती हूँ, जब तुम लोग मुझे अपनाओ, मुझे एक्सेप्ट करो और मुझे मानो कि हाँ मैं टीचर हूँ, देन ओनली यू विल रिकॉग्नाइज मी एंड देन मुझे अपनी आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सब कल्चर का। देन हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स, ये एक पिक्चर है जहाँ पे सब कल्चर को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट मूव करें टूवर्ड्स योर
हाँ मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की थी यहाँ पे, ठीक है। कल्चरल के कल्चर के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स या वेरिएंट कह सकते हैं, वो आता है, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म। सो अब इससे हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है। देखो एथनोसेंट्रिज्म बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री तो सबने थोड़ी बेसिक्स तो पढ़ी हुई है, ठीक है, कि हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, फिर उन्होंने इंडिया के साथ क्या किया, फिर इंडिया से चले गए वो, है ना। सो अब उसी को हम इधर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म मतलब बेसिकली ये कल्चर के एस्पेक्ट से या प्रोस्पेक्ट से है कि कल्चर, हमारा जो कल्चर था पहले एंशियंट इंडिया में एंड ब्रिटिश जब आए, तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हमारा कल्चर मतलब ब्रिटिश लोगों का कल्चर जो है वो सुपीरियर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया है, एंड हमारा यानी कि उनके हिसाब से इंडियंस का कल्चर जो है वो बहुत ही ख़राब है और कुछ नहीं है उनके सामने, ऐसा उनका मानना था। सो एथनोसेंट्रिज्म वो हो गया जहाँ पे कोई एक कल्चर अपने आप को डोमिनेंट मानता है एंड दूसरे कल्चर को इन्फीरियर मानता है या ख़राब मानता है, ठीक है, नो एक्सचेंज। अब यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो हमसे कुछ नहीं सीखते थे बट बेसिकली हमें चीज़ें सिखाते थे, जैसे हमें ड्रेस पहनाना सिखा गया, जीन्स इंट्रोड्यूस किया है हमारे को, लूट के भी लेके चले गए, लेकिन हमसे कुछ सीखे नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि वो हमसे सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उन्हें अपना ही कल्चर बेस्ट लगता है एंड उसी में वो खुश थे, वो हमारे कल्चर को वैल्यू भी नहीं करते थे, रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे, ऐसा कंडीशन था इंडिया में। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड इस काइंड ऑफ सोसाइटीज़ जो हैं जहाँ पे हम लोग अपने रिलीजन को या अपने कल्चर को बेसिकली सुपीरियर मानते हैं, वो ट्रेडिशनल पहले के सोसाइटीज़ में, एंशियंट सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है इस सभी का एग्जांपल, जहाँ पे लोग थे, ऐसे लोग भी हुआ करते थे, ऐसे जैसे ब्रिटिशर्स का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग भी होते थे समाज में जो अपने कल्चर को बहुत बढ़िया मानते थे एंड दूसरों को बहुत खराब मानते थे, दूसरे के कल्चर को बहुत खराब मानते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या अब क्वेश्चन आया होगा कि प्रेजेंट टाइम में फिर क्या वैलिड होगा। सो प्रेजेंट टाइम में वैलिड है तुम्हारा कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ठीक है। सो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो फोकस करती है कि सभी कल्चर जो है वो एक समान है एंड मेरे कल्चर में अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसे ऐड करूँगी, या कोई चीज़ मुझे ख़राब लग रही है तो उसे मैं डिलीट करूँगी। सो यहाँ पे होता क्या है, बी रिस्पेक्ट करता है ए को, देखो ए जो है वो एक कल्चर है एंड ए यहाँ पे ए कल्चर हम लोगों ने मेन लिया है, तो ए कल्चर अपने आप को बढ़िया मानता है, बी वाले कल्चर को वो खराब मानता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा कल्चर इंडिया को माना था खराब एंड अपने कल्चर को उन्होंने सुपीरियर माना हुआ था, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म में बी मेन है यानी कि हम लोग हैं एंड हम लोग कैसा ब्रिटिशर्स को मानते हैं या हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को मानते हैं, सो हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने सभी कंट्रीज की, अपने सभी कंट्री के लोगों की, ठीक है, उनके कल्चर की, है ना। एंड देन एक्सचेंज विथ ए, हम लोग एक्सचेंज भी करते रहते हैं अपने अपने कल्चर्स के थ्रू, जैसे कि हमें अगर मुझे राजस्थानी लुक बहुत पसंद आया तो मैं उसे ले लूँगी, है ना, अपने कल्चर में इंसर्ट कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा एक्सचेंजिंग, जहाँ पे हम लोग कल्चर को एक्सचेंज करते रहते हैं, वैल्यू भी करते हैं, हम सभी के कल्चर को इंडिया के अंदर सभी के कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाता है एंड वैल्यू किया जाता है। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ किसी एक कल्चर के साथ बुरा हो रहा है तो वो इंटरवीन करके हेल्प भी करती है, सो दैट इज व्हाट यू नोन एज योर वैल्यूइंग, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज में ऐसा कॉस्मोपॉलिटनिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आई होप ये बहुत ईजी था, देखो बहुत ईजी था और आसानी से मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। देखो इसके बाद में थोड़ा बहुत और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि वही चीज़ है जो मैंने बताई थी बट थोड़ा सा बुकिश नॉलेज के हिसाब से लिखा हुआ है। सो एप्लीकेशन ऑफ वंस ओन कल्चरल वैल्यूज इन इवेलुएटिंग द बिहेवियर एंड बिलीव ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर, यानी कि हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट मानते हैं एथनोसेंट्रिज्म के अंदर एंड दूसरे के कल्चर के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा रिलीजन, मेरा बिलीव, मेरी ओपिनियन, मेरी बिहेवियर्स, ये सब मेरा है, तुम्हारा क्या है, मेरा तो सुपीरियर है, तुम्हारा कुछ नहीं है, लाइक दैट। एथनोसेंट्रिज्म का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एथनोसेंट्रिज्म एक एप्लीकेशन है ऑफ वंस ओन कल्चरल वैल्यूज, हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, डोमिनेट करते हैं एक कल्चर को दूसरे के ऊपर एंड देखते हैं कि एक कल्चर अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता है, वही चीज़ है। देन कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है वो टोटली ऑपोजिट है from what known as your ethnocentrism, ठीक है। कल्चर वैल्यूज अदर कल्चर फॉर देयर डिफरेंसेस, हम लोग वैल्यू करते हैं कि भाई दूसरे का कल्चर कितने डिफरेंट है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एंड जब भी हमें लगे तो हम लोग उन सभी के कल्चर से सीखने की कोशिश करते हैं, ऐड ऑन करते हैं चीज़ों को, डिलीट करते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे बताता है कि हम लोग कल्चर को कैसे
वैल्यू करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्मोपॉलिटनिज्म. डू नॉट सीक टू इवैल्यूएट वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन. हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग नहीं करते. जैसे कि मेनली लेट्स सपोज मैं राजस्थानी हूँ, कोई गुजराती है, तो मैं उसके आइडियाज बिलीव्स को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रही हूँ एंड मेरे भी आइडियाज वैल्यूज हैं, मैं उसे शेयर कर रही हूँ, वो मेरे से शेयर कर रही है. सो यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ज़्यादा होती है. यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि डोमिनेट कर रहा है कोई एक दूसरे पर, ऐसा नहीं होता है. कल्चर में बहुत सी चीज़ें हम लोग एड ऑन करते हैं, डिलीट करते हैं. सो कल्चर एड ऑन डिलीट ये सब चीज़ें हमारी चेंज के अंदर आती है, यानी कि कल्चर चेंज वाला एस्पेक्ट है जो अब हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हो रही है, जैसे कि अभी पास्ट डिकेड्स में बहुत स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं हमारे कंट्री में स्पेशली. सो इतने सारे चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ कल्चरल चेंजेस भी हम लोग काफी ज्यादा देख रहे हैं. कल्चरल चेंजेस यानी कि कुछ इंटरनल चेंजेस देख रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल चेंजेस देख रहे हैं. इंटरनल चेंजेस मतलब वो चीजेस, जैसे कि अगर मैं इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो हम जब अपने अंदर चेंजेस लाते हैं तो उसे हम इंटरनल चेंजेस कहते हैं. एंड कोई और हम में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा होता है, परिस्थितियाँ सिचुएशंस अगर हमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल चेंज हो गया. ठीक है, सो इंटरनल चेंजेस मतलब वो चेंजेस जो हमारे अंदर में हम हो रहा था. जैसे कि एग्रीकल्चर के एग्जांपल ले ले, तो पहले एग्रीकल्चर ऐसे हुआ करता था बैल वगैरह को यूज करके, लेकिन अब हम लोग क्या, हम लोगों ने ट्रैक्टर्स इंट्रोड्यूस किया, ट्रैक्टर्स हम लोगों ने बनाया एंड अब हम लोग फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह को और न्यू मशीनरीज को यूज करते हैं. वरना एक्सटर्नल चेंजेस की बात करें, सो थर्ड पर्सन के इंटरवेंशन, किसी और के आने की वजह से कुछ चेंजेस, जैसे कि ब्रिटिशर्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, वो आए तो उनकी वजह से जीन्स पैंट इंट्रोड्यूस हुई, वरना पीपल वेयर लाइक दिस. नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कुछ अलग टाइप ऑफ कल्चरल चेंजेस, यानी कि हमारे कल्चरल चेंजेस होते हैं कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस के थ्रू भी. जैसे कि इवोल्यूशनरी चेंजेस मतलब चीज़ें इवॉल्व होती हैं, ऐसे चेंजेस जो धीरे धीरे आ रहे होते हैं छोटे छोटे स्तर पे, वो हो गया हमारा इवोल्यूशनरी चेंजेस. फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ, ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे से गोरिल्ला से चिंपांजी मैमल वगैरह बनते बनते आखिर में हम लोग ह्यूमन बन के आ गए. सो ये हो गया हमारा इवोल्यूशनरी चेंजेस. हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत धीरे धीरे इन्वेंट हुआ. हमारा जो इंटरनेट का इंट्रोडक्शन है वो भी बहुत धीरे धीरे हुआ. तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो बहुत स्लो थे एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज योर इवोल्यूशनरी चेंजेस. कुछ चेंजेस होता है बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाते हैं. जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन एक ही बार में बहुत ही स्पीड पेस पकड़ा उसने एंड कितनी सारी चीज़ें पॉलिटिकल चेंजेस उसने लाई, जैसे कि लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ये तीनों प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है ना. देन था रशियन रिवॉल्यूशन और स्टालिन का रशियन रिवॉल्यूशन था. देन वॉट यू हैव इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया. एनलाइटनमेंट का पीरियड भी हुआ था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने की वजह से इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, फैक्ट्रीज सेटअप हुई, ये सारी चीज़ें आई, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई इन सभी चीज़ों की. सो ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस. देखो अब मैं ये क्यों बता रही हूँ इवोल्यूशनरी चेंजेस, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, बिकॉज इससे भी हमारे कल्चर में चेंजेस आते हैं. कल्चर में चेंजेस ऐसे आते हैं कि रहने का तौर तरीका, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था ना, इंडिया की बात करें तो इंडिया बिल्कुल जॉइंट फैमिली था. बहुत टाइम तक जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट हमारे यहाँ चलता है और बहुत टाइम तक अभी भी चल ही रहा है बेसिकली. कभी कभार तो मेन यूरोप की एग्जांपल है, सो वहां पे क्या हुआ ना कि जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए. यूरोप की बात कर रही हूँ, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर में लोग शिफ्टेड थे, डिवोटेड थे, वो लोग आके सिटीज़ में रहने लगे अपने काम करने के लिए, अपने अर्निंग्स के लिए, बेटर लाइफ के लिए, वो जॉब के लिए वो लोग आए, सिटीज में शिफ्ट हुए. एंड फिर क्या हुआ, एक न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया जहाँ पे मॉम होती थी, डैड होते थे एंड एक बच्चा होता था या दो बच्चे होते थे, जो भी है. तो न्यूक्लियर फैमिली होने स्टार्ट हो गई. तो ये हमारा एक क्या हुआ ना, कल्चर में चेंज आ गया. मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी, तो ऐसे ही चेंजेस आने लगे इवोल्यूशनरी एंड रिवॉल्यूशनरी के इन्फ्लुएंस से. एक होता है हमारा इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से कुछ चेंजेस आ जाना. जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं तो ट्राइबल पीपल्स जो फॉरेस्ट में मेनली रहना पसंद करते थे और मेनली उन्हें रहना होता है, उनका क्या होता है कभी कभार हो जाता है जैसे कि कुछ गवर्नमेंट के काम हो जाए, अगर जैसे कि कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम वगैरह या उसे गवर्नमेंट को वो ज़मीन लेनी पड़े, तो क्या होगा बेसिकली जो
ट्राइबल पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा अपने फॉरेस्ट में रह, वो उनका ज़िंदगी ही पूरी उनकी फॉरेस्ट में है, उनका खाना पीना रहना सभी कुछ फॉरेस्ट में है, एंड उनको फॉरेस्ट से मूव कर दिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कुछ लोगों के थ्रू, जस्ट बिकॉज कि उन्हें उस जगह पे उस एरिया पे फार्मिंग करनी है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, फैक्ट्री सेटअप करनी है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये ट्राइबल पीपल को ज़बरदस्ती मूव होना पड़ता है सिटीज़ में, टाउन्स में. सो इधर जो ट्राइबल पीपल थे वो कहीं और शिफ्ट हुए, यानी कि सिटीज़ में दूसरे टाउन्स में शिफ्ट हुए, तो उनका कल्चर जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, वो रहने का तरीका, लोगों मतलब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो उनका रहने का तरीका बदलेगा, उनकी सोच में इन्फ्लुएंस चेंजेस आएंगे. सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कल्चर का चेंज. जैसे ही हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, हमारा कल्चर भी वैसे ही चेंज हो जाता है. अब थोड़ा सा मैं रीड करके भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, सो दैट इन डिटेल यू विल गेट एवरीथिंग. सो चेंजेस इन नेचुरल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल. किसी भी इंसान की जिंदगी को बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है. कौन सा चेंज? इन्वायरमेंट वाला चेंज या इकोलॉजिकल चेंज. ओके, वेन फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, यानी वही ट्राइबल पीपल वाली कम्युनिटीज, आर डिप्राइव्ड ऑफ एक्सेस टू द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूस, either because of legal restrictions or due to dissemination, it have disastrous effects on dwellers and their way of life. Tribal communities in northeast India as well as in middle India have been the worst affected people by those of forest resources. Thus, cultural change can occur through in the natural environment with the contact with other culture or processes of adoption. So जैसे tribal people move करेंगे cities, community cities और towns में, तो उनका culture में change आ जाएगा, because वो interact करेंगे नए नए लोगों से, तो उनसे सीखेंगे and उनका रहने का तौर तरीका change हो जाएगा. कुछ होते हैं हमारे environment के disastrous changes. Disastrous changes मतलब कि कहीं earthquake आ गया, जैसे कि एक town था वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, तो क्या होगा कि लोगों को आप कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा. ठीक है, कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, उनका प्रॉपर्टी था, उनका लैंड था, उनके घर था, सब कुछ छूट जाएगा. ठीक है, कैसे भी बच गए वो लोग. सो क्या होगा कि अब उनका प्रॉपर्टी था, सब कुछ था, तो अब वो छूट जाएगा, वो कहीं और किसी और जगह पे, किसी और स्टेट में भी उनको जाना पड़ेगा अब रहने के लिए. सो दे आर फोर्स टू गो देयर ऑन, लेट्स सपोज वो जा रहे हैं उड़ीसा में, उन्हें जाना पड़ा ज़बरदस्ती. सो जाना नहीं चाहते थे पर फिर भी उन्हें जाना पड़ा, मे बी उनके रिलेटिव्स वहीं पे थे या फिर उनका रहने का ज़रूरत जगह वहीं बचा हुआ था. सो दे हैव टू गो राइट. अब उनका कल्चर, उनका रहने का तौर तरीका जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा इस एक डिज़ास्टर, एक इन्वायरमेंट के अर्थक्वेक से. सो ये एक एग्जांपल हो गया. और वही कुछ इन्वायरमेंट के चेंजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव भी होते हैं. जैसे कि हम लोग को अपने नेचर से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने की चीज़ें तो मिलती हैं, साथ में हमें माइंस भी मिलते हैं, हमें रिसोर्सेस मिलते हैं अपने इन्वायरमेंट्स के थ्रू. सो वो हो गया हमारा कल्चर का पार्ट. सो ये पूरा चीज़ हमारा कल्चर का था कि हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया कल्चर क्या है, कैसे है, क्यों है, हमें कल्चर कहाँ से मिला है, कल्चर के क्या डायमेंशंस है, कल्चर के अंदर का सब कल्चर क्या होता है, कल्चर लैग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एकदम कम्प्लीटली पढ़ लिया. कल्चर चेंज के बारे में भी पढ़ लिया. अब हम लोग जाएंगे सोशलाइजेशन. देखो सोशलाइजेशन, जैसे कि हम लोग इन्हें एकदम बिगिनिंग में डिस्कस किया था अबाउट सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन मतलब घुलना मिलना, लोगों से बातें करना, चीज़ें समझना. और हम लोग जैसे छोटे से बच्चे होते हैं तब बड़े होते हैं तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चलती है अबाउट सोसाइटी एंड द वर्ल्ड एंड द कंट्री, न्यूज़, म्यूज़िक, लैंग्वेज, सभी चीज़ें हम लोगों को, जिसके तरफ हम लोग बहुत नए होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे जानने को मिलती है. सो सोशलाइजेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें से एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है, वो हो जाए हमारा सोशलाइजेशन. एंड ये जो सोशलाइजेशन होता है ये ऐसे ही नहीं हो जाता छोटे से बड़े हो जाते हैं हम लोग, मतलब यू नो सोशलाइजेशन होता है इंटरेक्शन से. जितना हम लोग सोसाइटी में घुलते मिलते हैं, रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, पीयर्स के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, झगड़े मारपीट करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों से हमारी सोशलाइजेशन होता है. हमें
प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है हमें, देन धीरे धीरे हमें चीज़ें सीखने समझने और जानने हम लोग लग जाते हैं अपने एज के साथ. सो ये सारी चीज़ें हमारे सोशलाइजेशन में ही आती हैं. सोशलाइजेशन को भी हम लोग एकदम डिटेल में चीज़ें एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे. सो सोशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ है कि जैसे कि हम लोग जब पैदा होते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ द ह्यूमन इन्फेंट नोज नथिंग अबाउट व्हाट वी कॉल एज सोसाइटी और सोशल बिहेवियर. जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता कि दुनिया क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, देन ये क्या है, वो क्या है, सोसाइटी क्या होती है, कुछ भी हम लोग नहीं जानते. हम लोग बस जानते हैं मम्मी पापा, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे हम लोग. लेकिन जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, ट्यूशन्स होते हैं हमारे, हम कोचिंग्स में जाते हैं, हमारी दोस्त बनते हैं, हम टीचर से रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं, तो हम चीज़ों को धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं, हमारी लर्निंग प्रोसेस होने लग जाती है. ठीक है. सो येट एज अ चाइल्ड ग्रोज अप ही और शी कीप्स ऑन लर्निंग नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड बट अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ गुड और बैड गर्ल या फिर बॉय. सो हम लोग चीज़ों को समझते हैं, नहीं सिर्फ सोसाइटी के बारे में हम लोग नहीं समझते, बट साथ ही में हम लोग ये भी समझते हैं कि गुड गर्ल और बैड गर्ल में क्या डिफरेंस होता है. जैसे कि गुड गर्ल मतलब कि जो मम्मी पापा की बातें सुने, तो जब भी हम लोग को मम्मी पापा प्रेस करते थे तो हम लोग वो बोलते थे कि यू आर वेरी गुड गर्ल, तो हम लोग को अच्छा लगता था, हम लोग वही काम करते थे. एंड जब भी हम लोग को बैड बोला जाता था तो हम लोग क्या करते थे कि वो आदत को हम लोग छोड़ देते थे. सो दिस इज़ वॉट नोन एज, जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग सीखते जाते हैं. ठीक है. शी नोज वॉट काइंड ऑफ बिहेवियर विल बी अपलॉडेड एंड वॉट काइंड ऑफ बिहेवियर विल बी डिसअप्रूव्ड. अब मैं छोटी हूँ तो मुझे पता चल गया ना कि मैं मैच स्टिक्स छूँगी तो मुझे मम्मी से डांट पड़ेगी क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा. एक बार मेरा जल गया है, सो मेरे को डांट भी पड़ी है उसके लिए. सो अगली बार से मैं मैच स्टिक नहीं यूज़ करूँगी, और जब भी यूज़ करूँगी केयरफुली यूज़ करूँगी. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट कि हम लोग को पता चल जाता है कि क्या ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए और क्या ऐसा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए. इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग सीखते हैं समय के साथ साथ जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं. सो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज ऐसा एक प्रोसेस जहां पे द प्रोसेस वेयर बाय द हेल्पलेस इन्फेंट, जब हम इन्फेंट यानी कि एकदम छोटे से होते हैं और हम लोग ग्रेजुअली बिकम हो जाते हैं सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन स्किल्ड इन द वेज ऑफ द कल्चर इन टू विच ही और शी इज़ बॉर्न. सो जब हम लोग, सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या होते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि छोटा सा बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं, एंड उसके लिए वो वर्किंग हार्ड स्टार्ट कर देता है. तो सोशलाइजेशन मतलब क्या कि छोटे से हम लोग बड़े हो जाते हैं, नहीं सिर्फ यही नहीं, हमारे नॉलेजेबल हो जाते हैं, हम लोग स्किल्ड हो जाते हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं. सो वो हो जाता है हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस. ठीक है. इन नीड विदाउट सोशलाइजेशन एन इंडिविजुअल वुड नॉट बिहेव लाइक अ ह्यूमन बींग. ह्यूमंस अगर सोशलाइज नहीं होते तो वो ह्यूमंस नहीं होते, क्योंकि ह्यूमंस अगर सोशलाइज नहीं होंगे तो सोसाइटी फॉर्मेशन नहीं होगा. पहली बात, कोई फैमिली नहीं होगी, कोई सोसाइटी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है. ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं अगर ह्यूमन सोशलाइज नहीं होंगे. ठीक है. सो सोशलाइजेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो सोसाइटी में नहीं होगा तो ह्यूमंस ह्यूमंस नहीं कहलाएंगे बल्कि जानवर कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल वुल्फ चाइल्ड ऑफ मिडनापुर. इसमें जाने से पहले एक एग्जांपल, हम लोगों ने जंगल बुक तो ज़रूर देखा होगा, उसमें क्या होता है मोगली जो है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है. डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है एंड वो जानवरों के साथ पलता है और बड़ा होता है. ठीक है. तो उसे ह्यूमंस के बारे में कुछ नहीं पता कि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें मोगली को नहीं समझ में आती है. ठीक है. वो जानवरों की तरह ही, जिन जानवरों के आसपास वो रहा उन जानवरों के साथ ही वो चलता घुलता मिलता बैठता खाता पीता. सो बिल्कुल अपने आप को एक जानवर समझ लेता लिया था उसने, जानवरों की तरह ही यू नो बिहेवियर करता था वो, मंकी की तरह या लाइक दैट. सो मोगली में, मोगली का जो एग्जाम्पल था, जंगल बुक का जो एग्जाम्पल था, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक इंसान जब इंसान के साथ नहीं रहता और इंटरैक्ट नहीं करता, सोशलाइज नहीं होता, तो ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाता, वो कुछ और ही कहलाता है. जैसे मोगली को इस केस में हम लोग ह्यूमन नहीं कह सकते हैं, मतलब देखो कार्टून के बेस पे तो दूसरा है, बट मोगली को यहाँ पे हम लोग ह्यूमन नहीं कह सकते बिकॉज वो ह्यूमन की तरह कुछ सोचता समझता, कपड़े भी नहीं पहनता ह्यूमंस की तरह, तो हम उसे ह्यूमन नहीं कह सकते. तो ह्यूमंस मतलब होता ही क्या है कि सोशल बीइंग, वो अवेयर होता है कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या लैंग्वेज है,
चीज़ों को सोच समझने की जो शक्ति होती है वो ह्यूमंस के पास होती है, इसलिए हम लोग ह्यूमंस होते हैं। मेनी ऑफ यू, तुम लोगों ने ज़रूर देखा होगा मोगली का या जंगल बुक का तो स्टोरी सुनाई होगा, एंड इसके बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स ज़रूर जानते होंगे, वुल्फ चिल्ड्रन ऑफ मिदनापुर। नहीं जानते होंगे तो अभी जान जाएंगे। ये देख लो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बच्चा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत अलग हो जाते हैं, एक एक्चुअल एग्जांपल है ये, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं एंड इसका ये हाल हो जाता है क्योंकि ये एनिमल के साथ रहता है, कुछ एनिमल्स के साथ रहता है एंड अपने आप को भी ये एनिमल्स समझते हुए एनिमल्स की तरह चार पैरों पर चलता है, एनिमल्स की तरह ही खाना पीना सब कुछ मतलब करता है। क्यों? बिकॉज ये एनिमल्स के साथ ही पला बड़ा है एंड इसका सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हुआ ही नहीं है ह्यूमंस के हिसाब से, वो ह्यूमंस के बारे में कुछ नहीं जानता, ह्यूमंस का लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये था वुल्फ चाइल्ड ऑफ मिदनापुर जो कि एक वुल्फ के साथ रहता है, ये वुल्फ के साथ रहता है एंड वुल्फ की तरह ही है बन जाता है, जैसे हम लोग एकदम पिक्चर में देख रहे हैं। एंड ये हमारा मोगली का एग्जाम्पल था जहाँ पे मोगली जो है वो भी वुल्फ्स के साथ ही आई एस रहता था एंड उसका भी जो वो भी क्या बन गया था, ह्यूमन नहीं बना था, बेसिकली वो जानवर की तरह ही हो गया था, राइट। सो सोशलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो टेक प्लेस नहीं कर रहा है, अगर हमें सोचने समझने की जो शक्ति है वो डेवलप नहीं होती है तो हम ह्यूमंस नहीं कहला सकते। सो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे कल्चर के लिए भी, हमारे लाइफस्टाइल के लिए भी एंड हमारे लिए एज अ होल भी, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन ऐसा क्या है, मतलब सोशलाइजेशन हमारे लिए क्या करता है या है क्या एक्चुअल में, इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ या फीचर्स के साथ। सो सोशलाइजेशन को बोलते हैं एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब कि हम लोग लाइफ के साथ साथ हमेशा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मीन्स दैट वो हमारे पूरे ज़िंदगी में ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारा स्कूल में एडमिशन हो जाता है, हम स्कूल्स में जाते हैं पढ़ते हैं, फिर वहाँ पर हमारे दोस्त बनते हैं, हमारी टीचर्स होती हैं, वहाँ पर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, इवन घर में भी तो हमारा रिलेशनशिप्स होता है अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ। सो यहाँ पर हम लोग थोड़े, सबसे पहले हमारा रिलेशनशिप्स हमारे फैमिली के साथ हुआ, देन वी हैड आर रिलेशनशिप्स विद आर यू नो व्हाट नोन एज आर स्कूल, आर टीचर्स, उसके बाद हम लोग जाते हैं और बड़े होते हैं हम लोग अपने कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर हमारे रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं, इंटरेक्शंस होता है, हम समय के साथ साथ चीज़ों को और ज़्यादा समझते हैं और सीखते हैं, सोसाइटी के बारे में भी धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखने को हमें मिल जाती है अपने उम्र के हिसाब से, ठीक है। तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसलिए है बिकॉज हम लोग अपने पूरे लाइफ में सोशलाइज होते रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई आइलैंड में जाके बस गए हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है, बस इंटरनेट नेटवर्क है एंड कोई इंसान है ही नहीं। इंटरनेट नेटवर्क से हम लोग एक घंटा दो घंटा इंटरटेन हो सकते हैं बट इंसान नहीं हो तो इंसान इंसान नहीं रहता। अगर हमारे साथ कोई नहीं होगा जिससे हम लोग अपने दुख शेयर करें, सुख शेयर करें, सो वी विल नॉट बी अ ह्यूमन, हम लोग मर जाएंगे बिकॉज वी आर अ सोशल बींग, दैट इज द रीजन, ठीक है। सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सोशलाइजेशन हो गया। फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी, हम लोग जो है वो फंक्शनल मेंबर हैं सोसाइटी के, यानी कि हमारे बिना, इंडिविजुअल्स के बिना सोसाइटी फॉर्म नहीं होती। सो सोसाइटी में हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल मेंबर है जो काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो जिंदा है एंड सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता रहता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो हमारा सोशलाइजेशन है वो एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी है क्योंकि हम लोग चीज़ों को सीखते और समझते हैं। हम लोग को पहले नहीं पता था सोसाइटी क्या होती है, देन हमारे लाइफ में गोल्स होने चाहिए, हमें कुछ बनना भी होता है बड़े होके, या फिर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एकदम नहीं पता होती है जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जब हमारा वो टाइम आता है, हम लोग बड़े होते जाते हैं, चीज़ों को समझते सीखते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे नहीं, बोर्ड एग्जाम भी नाम का भी कुछ होता है, देन हमारे लाइफ में कुछ कॉलेज भी होता है, देन गोल्स भी होते हैं जिसे हमें सेट करके उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अपने समय के साथ साथ याद होता रहता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट योर सोशलाइजेशन इज। नेक्स्ट है कल्चरल एसिमिलेशन। कल्चरल एसिमिलेशन मतलब कि हम लोग एसिमिलेट भी करते हैं। एसिमिलेट मतलब हम लोग मिलते हैं, खुलते मिलते हैं, हमारे विचार मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल्स में जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स से बहुत नई नई चीज़ें सीखने को हमें मिलती है, जैसे हमारे जैसे मेरे पास ये गेम है तो वो बोलता है कि नहीं मेरे पास तो ये वाला गेम है, तो हमें पता चलता है कि ये भी कोई गेम है, राइट। हम लोग को नहीं पता होता है,
लाइक फॉर एग्जांपल हम मुझे पता है चेस के बारे में और मेरे फ्रेंड को पता है कि एक गेम होता है सबवे सफर जो कि मोबाइल में डाउनलोडेड होता है. जब मैं छोटी थी तो ऐसा समझ लो, तो जब मैं छोटी थी मैं जानती थी चेस के बारे में एंड मेरी फ्रेंड जानती थी अबाउट सबवे सफर जो कि मोबाइल में खेला जाता है. सो हुआ क्या यहाँ पे, मैं अपनी फ्रेंड से घुली मिली बातें की तो मुझे पता चला कि अरे ये भी एक मोबाइल गेम है, मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड करके खेल सकती हूँ, अपने पापा के फ़ोन में मम्मी के फ़ोन में डाउनलोड करके इससे खेल सकती हूँ. तो ये हो गया मेरा कल्चरल एसिमिलेशन. जब हम लोग सोशलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत से लोगों से मिल रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत से लोगों से मिलते हैं तो हमारे सोच हमारे समझने की प्रक्रिया जो है वो और ज़्यादा विकसित होती है. हम बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चीज़ों को समझने जानते हैं, सोचने समझने सीखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझते हैं. पहले मुझे नहीं पता था कि सोसाइटी में कोई मतलब कोई गेम होता ऑनलाइन. जब मैं छोटी थी उस टाइम पे उतना सारा गेम्स था नहीं, ज़्यादातर हम लोग पकड़ा पकड़ी वगैरह खेला करते थे. लेकिन जब मैं गांव में थी तो फिर शहर में आई तो फिर क्या हुआ कि मोबाइल गेम्स होते थे, मुझे पता नहीं था. मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो मुझे पता चला कि नहीं मोबाइल गेम्स भी होते हैं. मेरे फ्रेंड से मुझे पता चला मोबाइल गेम्स होते हैं, देन बहुत से मूवीज़ होते हैं जो तुम देख सकती हो. तो मेरे को पता चला यहाँ पे एसिमिलेशन हुआ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ नई नई चीज़ें सीखती जाती हूँ और मैं भी उसे सिखाती जाती हूँ. तो ये हो गया कल्चरल का एसिमिलेशन. तो हम लोग कंक्लूड करें तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा लाइफ लॉन्ग है. हम लोग फंक्शनल मेंबर है होते हैं सोसाइटी के, देन हमारा जो सोशलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, कल्चरल एसिमिलेशन करते हैं, यानी कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं चीज़ों के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, और हमारा जो माइंड है वो और ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को समझना सीखता है, लाइक दैट, ठीक है. तो अब हम लोग कंक्लूड करते हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग सोसाइटी को फॉर्म करते हैं. सोसाइटी को फॉर्म कैसे करते हैं, इंटरेक्शन से, रिलेशनशिप्स फॉर्म करके. सो ये होता है हमारा कि हम लोग ह्यूमंस होते हैं, देन सोसाइटी फॉर्मेशंस होते हैं जब हम इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स को फॉर्म करते हैं. हम लोग उस सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ काम भी कर रहे होते हैं, देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में भी हम लोग कोई जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो में. फिर हमारे कुछ रोल होता है, हमारी कोई ड्यूटीज़ होती है, कुछ स्टेटस होता है हमारा समाज में. देन सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि हम लोग आज तक पढ़ते आए, चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ था, वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे है, जाके देख लो. सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फैमिली, मैरिज, किंगशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सारी चीज़ें हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं. सो ये सारी चीज़ें भी हमारे लाइफ में सस्टेन करती हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है. सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम लोगों को मिलता है, देन हमें रोल स्टेटस होता है हमारा, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो समाज के अंदर में फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे हमें वोट देने जाना पड़ता है या फिर फैमिली के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से क्या बोलूँ कि कुछ लोगों से हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेट्स सपोज. सो ये हमारा एक रूल हो गया जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है. तो रूल्स और रेगुलेशंस भी सोसाइटी में होते हैं, फैमिली में होता है, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग को फॉलो करना पड़ता है. प्रॉब्लम्स भी होते हैं, प्रॉब्लम्स जैसे कि वायलेशंस होते हैं एंड डेविएशंस होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था आई गेस कि वायलेशन होता है, डेविएशंस होता है, मतलब कुछ लोग होते हैं समाज में जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मर्डर करते हैं या फिर चोरी करते हैं, ऐसे लोग होते हैं. सो उनके लिए लॉ होता है, पनिशमेंट मिलता है, कहाँ से, गवर्नमेंट के थ्रू, लाइक दैट, ठीक है. सोशल कंट्रोल वहाँ से आता है कि सोशल कंट्रोल की भी ज़रूरत है. तो मैं इतना सारा चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा हमारा कल्चर होता है, कल्चर के अंदर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होता है. कल्चर क्या है, पूरा वे है जैसे हम लोग हैं, मतलब हमारे रहने का तौर तरीका, हमारे लैंग्वेज, हमारा स्टाइल, हमारा टेस्ट, सब कुछ हमारे कल्चर में होता है. और सोशलाइजेशन क्या होता है, बिना सोशलाइजेशन के तुम कल्चर के बारे में क्या ही जानोगे. जब अपने मम्मी पापा से बात ही नहीं करोगे तो मम्मी पापा से कैसे जानोगे कि मेरा कोई कल्चर है, मेरा कोई लैंग्वेज है, मैं कहाँ से, कहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी. तो सोशलाइजेशन मतलब हम जब लोगों से घुलना मिलना बात करना शुरू करते हैं, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही. अब हम लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं इस पार्ट को, मैंने थोड़ा लिखने की कोशिश की है वैसे. सो सोशल कंट्रोल के बारे में जाना कि सोशल कंट्रोल प्लस स्टेटस होता है, कुछ रोल होता है, कुछ स्ट्रेटिफिकेशन होता है. ये सारी चीज़ें जो सोशल कंट्रोल है, फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, वर्क है, इंटरेक्शंस है, ये सभी में हमारा सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि मैंने बताया सोसाइटी फॉर्मेशन कैसे होता है,
मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सोसाइटी फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम लोग एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे। जब हम लोग कुछ किसी से बात ही नहीं करेंगे तो कोई सोसाइटी बनती नहीं है, ठीक है। हम लोग को पता ही नहीं चलेगा सामने वाला का बिलीव क्या है, मान्यता क्या है, तो हम लोग कैसे कोई सोसाइटी फॉर्म करेंगे। तो सोसाइटी फॉर्म करने के लिए इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इंटरेक्शन ही तो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जहाँ पर हम लोग लोगों से सीखते हैं, समझते हैं और चीज़ों को बहुत बड़े स्तर पर जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, isn't it? तो हमारा जो सोशलाइजेशन है वो ये हो गया। अब सोशलाइजेशन के अंदर कुछ होते हैं हमारे टाइप्स, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब इसके बारे में ये समझ लो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो हमारे बर्थ से लेके टीनेज तक चलता है, एंड सेकेंडरी जो हमारा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो हमारे मतलब डेथ तक चलता रहता है, यानी कि टीनेज या यू को एडल्टहुड से हमारे डेथ तक ये वाला सेकेंडरी सोशलाइजेशन चलता है, ठीक है। एंड इन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर। सो द चाइल्ड इज सोशलाइज बाय सेवरल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन विच ही और शी पार्टिसिपेट्स विद फैमिली, स्कूल, पीयर्स ग्रुप, नेबरहुड, ऑक्यूपेशनल ग्रुप एंड सोशल क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। देखो प्राइमरी मतलब होगा कि शुरुआत में जब हमारा इंटरेक्शंस, हमारा रिलेशनशिप्स फॉर्म होता है कुछ लोगों से, तो वो हमारा प्राइमरी हो गया। जैसे कि हमारा फैमिली से हमारा रिलेशनशिप सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, स्कूल्स से रिलेशंस होते हैं, एंड सेकेंडरी में तुम लोग ले सकते हो अडल्ट हो, जैसे कि हम जॉब जहाँ करते हैं हमारा वर्क प्लेस हो गया, वहाँ पर हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पीयर ग्रुप्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स, देन जब तक हम लोग बूढ़े होते हैं और फिर टिल हमारे डेथ तक जो भी हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें भी हम लोग बहुत से वेरियस लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सो वो सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिया हुआ है, लेकिन एजेंसीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो एजेंसीज़ क्या होती है? एजेंसीज़ मतलब कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो बहुत से लोगों से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइज करते हैं, ठीक है। सो वो हमारे एजेंसीज़ हो जाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस या यू कहो एजेंसीज़ हो जाती हैं। जितने भी लोगों से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं इनिशियल स्टेज में, तो वो हो गया हमारा एजेंसी। सो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एंड ये एजेंसीज़ होती क्या है? अगर क्वेश्चन आया होगा माइंड में तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो आया होगा कि ये सोशलाइजेशन का एजेंसीज़ क्या होता है। जैसे हमारा फैमिली होता है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे स्कूल होता है, हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो होते हैं, सोशल क्लास, सोशल कास्ट, रिलीजन, रीजन, ये सारी चीज़ें हमारे सोशलाइजेशन या यू कहो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारा जो एजेंसीज है उनके बारे में। देखो एजेंसीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तुम्हारे बुक में लिखा होगा डेफिनेटली, बट मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट में चीज़ों को एकदम अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका रिलेशनशिप्स उसके फैमिली के साथ होता है, होता है कि नहीं? हम अपने फैमिली, अपनी मम्मी के बारे में जानते हैं या मम्मी से बातें करते हैं, पापा से बातें करते हैं इनिशियल स्टेज में, देन हम लोग को पता चलता है कि मम्मी पापा ये है, मेरे भाई ये है, मेरी बहन ये है, देन मेरे रिलेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से हम लोग बड़े होते हैं और, तो हम लोग को चलना वगैरह आ जाता है, देन थोड़े से और बड़े होते हैं हमारा एडमिशन हो जाता है स्कूल में, तो हम लोग स्कूल जाना शुरू करते हैं। देन स्कूल जाते जाते हमारे कुछ दोस्त बन जाते हैं, हम लोग की टीचर्स भी कभी कभार दोस्त बन जाती हैं, वो हमें पढ़ाते पढ़ाते हमें टीचर्स भी हमारे फ्रेंड्स बन जाती है। देन ट्यूशन टीचर ऑलरेडी है हमारे पास, जो हमारे बहुत डांटती रहती होती हैं, मेनली डांटती भी है और अच्छे से पढ़ाती भी हैं, सो ट्यूशन टीचर के साथ हमारा रिलेशनशिप्स फॉर्म हो गया। तो सबसे बेसिक, सबसे इनिशियल स्टेज जहाँ से हम लोग सोशलाइज होना शुरू करते हैं वो हमारी फैमिली होती है। तो सबसे पहला जो एजेंसीज है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी जो है वो हमारा फैमिली होता है, ठीक है, जिससे हमें अपने रिलीजन के बारे में पता चलता है, अपने लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, अपने बर्थ स्टेट, बर्थ कंट्री के बारे, बर्थ कंट्री तो नहीं बोल सकते बट बर्थ प्लेस के बारे में पता चलता है, हमारे लैंग्वेज के बारे में, मतलब सभी कुछ हमें अपने फैमिली से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे स्कूल्स, नहीं उसके बाद हम लोग ले सकते हैं नेबर्स को, कि उसके बाद फैमिली के बाद आते हैं हमारे नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि बच्चे अपने नेबर्स के घर पे भी चले जाते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स अपने फैमिली के बाद अपने नेबर्स से होते हैं, देन अपने स्कूल्स में होते हैं, है ना, स्कूल्स में हमारे टीचर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे पीयर ग्रुप्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे स्कूल में हमारे फ्रेंड्स हो गए,
हमारे सेम ग्रुप, सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे पीयर्स होते हैं. सो पीयर ग्रुप्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे स्कूल में रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे नेबर्स में रिलेशनशिप्स होने लग जाते हैं. मास मीडिया, मास मीडिया मतलब लोगों से बहुत बड़े स्तर पर हमारी दोस्ती होने लग जाती है बड़े होने पर. देन रिलीजन में हमें पता चलता है कि हमारा रिलीजन यह है, हमारा कास्ट ये है, हमारा क्लास ये है. तो यहाँ पर भी हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, रीजन से भी हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है. बट स्टार्ट हम लोग चीज़ों के बारे में जब शुरुआत में जानना शुरू करते हैं तो हमारे फैमिली होती है, ठीक है. ओके, सो फैमिली के बाद आती है हमारे स्कूल्स, हमारे पीयर्स, हमारे टीचर्स, हमारे देन हमारे रिलीजन, हमारा रीजन, हमारा कास्ट, हमारा क्लास. ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत बड़े स्तर पे पता चलता है. सो यही सारी एजेंसीज़ हैं जहाँ से हम लोग सोशलाइज होते हैं, जहाँ से हम लोग अपने बारे में जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और सोसाइटी के बारे में भी जानते हैं. सो ये हो गया हमारा सोशलाइजेशन एट द वेरी ब्रॉड लेवल. कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके समझ लो, ठीक है. सो अब हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कल्चर एंड सोशलाइजेशन एक दूसरे से क्यों जुड़ा हुआ है और हमें एक साथ इन्हें एक चैप्टर में क्यों पढ़ना पड़ा. देखो कल्चर क्या होता है, हमारे वे ऑफ लाइफ कि कैसे हम हैं, हमारा टेस्ट क्या है, हमारा कास्ट क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हम कौन सी जगह से आए हैं, हमारा स्टेट कौन सा है या फिर हमारा लैंग्वेज कौन सा है, ये वे ऑफ लाइफ क्या है हमारी, हम कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा हो जाता है कल्चर के अंदर. मेरा सोशलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग जहाँ पर हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इन द ब्रॉड सेंस. सो ये दोनों एक जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसे हैं कि हम लोग सोशलाइज नहीं करेंगे, हम लोग अपने फैमिली से बात नहीं करेंगे, हम लोग रिलेशनशिप्स फॉर्म नहीं करेंगे सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, तो क्या होगा कि हमारा सोशलाइजेशन नहीं होगा. और अगर हमारा सोशलाइजेशन नहीं होता है तो हम लोग मोगली बन जाते हैं, ठीक है. मोगली बन जाएंगे तो फिर हमें क्या पता कि हमारा कल्चर क्या है, हम कैसे, हम लोग रहेंगे तो उनके साथ ही ना, जानवर के साथ ही रहेंगे, तो फिर हम लोग ह्यूमंस कहलाएंगे ही नहीं, हम लोग जानवर कहलाएंगे क्योंकि हम लोग जानवर की तरह रहना शुरू कर दिए हैं. हमारा कोई कल्चर नहीं होगा, हमारा कोई टेस्ट नहीं होगा, हमें कुछ लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमंस ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे, है ना. सो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो सोशलाइजेशन का है. अगर सोशलाइजेशन हमारे लाइफ में नहीं हो रहा होता है तो हम लोग कल्चर के बारे में नहीं जान सकते. जब तक हम लोग अपनी फैमिली से बात नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों से बात नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा हमारा रिलीजन क्या है, हमारा कास्ट क्या है, हमारा क्लास क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम क्या जानेंगे कि कल्चर क्या होता है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा टेस्ट क्या है. ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और तुम आके बोल रहे हो कि मुझे सब कुछ पता है, लाइक दैट, ठीक है. सो कुछ पता करना है तो सोशलाइजेशन पहले करना होगा एंड उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये पता है, तो मतलब वे ऑफ लाइफ. अब इसका कोई एग्जांपल देते हैं, ठीक है. तुम लोगों पे एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे में से किसी एक का नाम ले लेते हैं रागिनी. लेट्स सपोज रागिनी जो है वो सोशलाइज नहीं करती, मतलब बहुत सी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लड़की है, वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, अपने फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, बहुत थोड़ा थोड़ा बातें करती है, तो उसका इंटरेक्शंस बहुत कम होता है, उसका रिलेशनशिप्स बहुत कम लोगों से हैं, तो वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती है. तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो कहां से आएगा, ठीक है. वो अपने फैमिली से भी बहुत कम बात करती है, उसका जो रिलेशनशिप्स है वो सोशलाइज नहीं हो रही है, ठीक है. वो बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं है, वो अपने ही ख्याल में खोई रहती है, ठीक है. तो ये जो लड़की है इसको अपने कल्चर के बारे में ज़्यादातर नहीं पता होगा. जब ये बात ही नहीं करती है लोगों से तो इसको कैसे पता होगा किसका ये कौन सी जगह से आई है. मतलब अभी तो करेंटली वो कहीं भी हो सकती है, करेंटली अभी वो बिहार में हो सकती है, बट उसका बर्थ प्लेस क्या है उसको ये नहीं पता चलेगा. उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसका रिलीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, नेबर्स कौन होते हैं, फैमिलीज क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसे पता ही नहीं चलेगा. तो उसका टेस्ट खुद का कहाँ से आएगा, वो कैसे बताएगी कि मेरा वे ऑफ लाइफ क्या है. जब वो लोगों से बात नहीं करेगी तो उसे अपने बारे में चीज़ों को नहीं समझ में आएगा, वो अपने बारे में नहीं जानेगी तो वो अपने कल्चर के बारे में भी नहीं जान पाएगी. सो अल्टीमेटली मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो कल्चर के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो दोनों इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है. सोसाइटी जो है वो ह्यूमन से बनती है, ह्यूमन जब शेप करते हैं सोशल बींग्स बनते हैं, और सोशल बींग्स कैसे बनते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. सो सोशलाइजेशन जब तक नहीं होता है हम लोग कल्चर के बारे में नहीं जान सकते, एंड इसीलिए सोशलाइजेशन एंड कल्चर दोनों ही हम एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं एंड दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, ये भी एक रीज़न है,
ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एकदम थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, मुझे पता है 1 घंटा तक लग गया होगा, बट इट्स ओके। सारी चीज़ों को, सारे कंसेप्ट को इन डिटेल मैंने ट्राई किया है समझाने का। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। आई होप सब कुछ समझ में आ जाए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।